नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और साथ ही विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी विधानसभा पहुंचे और मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा के दौरान किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, सुविधाएं किस तरह की हैं, काम कैसे करना है, क्योंकि लगातार आमूलचूल परिवर्तन विधानसभा में कार्यवाही के दौरान किए जा रहे हैं और कार्यवाही के दौरान नए आमूलचूल परिवर्तनों का जायजा लेने के लिए खुद विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे वहां पहुंचे थे। तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। आज से औपचारिक रूप से इस सत्र की शुरुआत होने वाले ही है और आज की इस पूरी कार्यवाही से जुड़ी हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से। और इस सत्र की अगर बात करें तो करीब 14 बैठकें इस सत्र में होंगी और मॉनसून सत्र में करीब 4,287 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस सत्र में क्या कुछ और विशेष होगा ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, 1901 प्रश्न ऑफलाइन लगाए गए हैं और 2,386 प्रश्न ऑनलाइन लगाए गए हैं। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष पूरी तरीके से तैयार है तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 19 जुलाई तक सत्र चलना है। मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और इस आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के पूरे हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस नरसिंह घोटाला को लेकर हंगामा कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। आप ये देखिए कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है और आज से शुरू हो रहे विधानसभा के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस नरसिंह घोटाले को लेकर हंगामा कर सकती है। और भी कुछ मुद्दे होंगे जिसे कांग्रेस उठा सकती है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि घोटाले के तथ्य खोज लिए गए हैं। विधानसभा में नरसिंह घोटाले का खुलासा करने का दावा उन्होंने किया और कहा कि सबूत के साथ खुलासा किया जाएगा। सोशल मीडिया माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट लिखा है और लिखा कि घोटाले की सारी परतें खोलूंगा और नरसिंह घोटाला मामले को लेकर उन्होंने तथ्यों का जिक्र किया, सबूत का जिक्र किया कि ये सभी जुटा लिए गए हैं और अब परतें सभी खोली जाएंगी विधानसभा में और इसी मुद्दे पर हंगामा होने के आसार हैं। तो इधर विधानसभा सत्र में विपक्ष की रणनीति को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष अपनी बात रखे और विपक्ष अगर सकारात्मक सलाह देता है तो सरकार उस पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अच्छी चर्चा हो ये जरूरी है। ये लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि पक्ष विपक्ष के लिए चर्चा करने के लिए विधानसभा सबसे श्रेष्ठ मंच होता है। वो सदन के अंदर वो अपनी बात कहेंगे, हम हमारी बात कहेंगे। अगर विपक्ष अपनी बात नहीं कहेगा तो ऐसा लगेगा लोकतंत्र अधूरा, इसलिए उनको उनका हक है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ लोकतंत्र में कि विपक्ष हमारी कमियां निकाले, हमको बताए, आगाह करे कि हाँ ये आपकी कमी है, त्रुटि है। सरकार अपनी अच्छाई बताएगी, हो सकता है उनकी कोई सकारात्मक कमी हो तो उनको कंसिडर करेंगे, उससे और आगे अच्छा बन करके, क्योंकि सरकार 5 साल। ये जो आज से सत्र की शुरुआत होने वाली है, इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। ये मॉनसून सत्र जो कि 19 तारीख तक चलने वाला है और हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मॉनसून सत्र में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है, विपक्ष पूरी तैयारी में है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आज से शुरू हो रहे इस मॉनसून सत्र को लेकर? बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि मानसून सत्र है तो ऐसे में अब लगातार ओले भी गिरेंगे और हल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे हैं जिनको घेरने को लेकर विपक्ष पूरी रणनीति बना चुका है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इस बार विपक्ष नरसिंह घोटाले को लेकर सामने आ रहा है और जिस तरीके से उमंग सिंघार हों या फिर जीतू पटवारी, तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस बात को लेकर उठाते रहे हैं कि मध्यप्रदेश में एक बड़ा घोटाला हुआ है व्यापम के बाद, उसको लेकर सदन में घेरने की तैयारी जो है वो विपक्ष के द्वारा की गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के समय मध्य प्रदेश की जनता से जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए, उसको लेकर मध्य प्रदेश
कि कांग्रेस जो है उनको घेरने का काम करेगी, खासकर लाडली बहनों को 3,000 रूपये देने की बात हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, या फिर गेहूं और जो धान की MSP को लेकर बात हो। ये जो मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार सदन में काफी हंगामा देखने को मिलेगा। लगभग 4,200 से अधिक प्रश्न जो है वो लगाए गए हैं और कई ध्यानाकर्षण और स्थगन भी के भी प्रावधान इस बार किया गया है। ये सत्र काफी लंबा चलने वाला है और खास बात यह है कि 3 तारीख को मध्य प्रदेश का बजट भी पेश होगा, क्योंकि पिछला जो सत्र हुआ था उसमें अनुपूरक बजट पेश किया गया था, इस बार जो है वो पूरक बजट भी पेश होना है। तो ऐसे में ये सत्र जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि विपक्ष की तरफ से तमाम जो तैयारियां की गई हैं, उसके साथ ही सत्ता पक्ष की तरफ से भी तमाम जो तैयारियां हैं उनको मालूम है कि इस बार सदन में घेरने का काम जो है विपक्ष करेगा। तो ऐसे में तमाम मंत्रियों को हिदायत दी गई थी, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक ली थी और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जितने भी प्रश्न लगे हैं सबके जवाब जो है तैयार कर लिए जाए और समय सीमा में तैयार कर लिए जाए, ताकि सदन में विपक्ष को यह मौका न मिले कि सरकार जवाब देने से बच रही है। जी स्वाभाविक है, और इस विषय को लेकर आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज महतारी वंदन योजना की 5वीं किश्त जारी की जानी है। महिलाओं के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर की जाएगी, 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में रकम ट्रांसफर होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रूपए मिल रहा है। प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि ट्रांसफर की जा रही है। सीएम साय महिलाओं के खाते में 653,84,00,000 रूपए ट्रांसफर करेंगे। तो आज 653,84,00,000 रूपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे। महतारी वंदन की 5वीं किश्त आज महिलाओं के खाते में आएगी, जिसमें 70 लाख महिलाएं ये राशि पाने वाली हैं। एक मार्च 2024 से शुरू हुई ये महत्वाकांक्षी योजना, जिसकी आज 5वीं किश्त जारी की जा रही है और इसे महिलाओं के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा और 1,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाने हैं। आपको बताते चले कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचे और उनकी छोटी मोटी जो परेशानियां पैसे की कमी की वजह से हल नहीं हो पा रही थी, सरकार की तरफ से उन महिलाओं को जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, जो अपने खुद की ज़रूरतों के लिए निर्भर हैं किसी पर, उनकी किसी तरह से सहायता हो सके, इसलिए ये महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई थी, जिसे नाम दिया गया महतारी वंदन योजना, जिसे 1 मार्च 2024 से शुरुआत हुई थी और अब ये 5वीं किश्त महिलाओं के खाते में प्रदेश के 70 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा और सरकार पर इसका 653,84,00,000 रुपए का अतिरिक्त खर्च उसे वहन करना होगा। ऐसे में इस योजना का सीधा लाभ सरकार महिलाओं को देना चाहती है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, आज एक बहुत ही खास दिन है महिलाओं के लिए, क्योंकि आज उनके खाते में महतारी वंदन योजना की राशि ट्रांसफर होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए 10 मार्च को पहली किस्त है, विष्णुदेव सरकार ने जारी किया था प्रदेश के 70 लाख से अधिक महिलाओं को, तो आज उसकी 5वीं किस्त है। वो 70 लाख 12 हजार लगभग के जो महिलाएं हैं उनके खातों में सीधा ट्रांसफर होगा ये राशि, और महिलाएं हैं अपने बच्चों के लिए अपने पारिवारिक खर्च के लिए इन पैसों का उपयोग है वो लगातार करते आ रहे हैं, और महिला के सशक्तिकरण की दिशा में, महिला के सम्मान की दिशा में, और ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के जो जरूरतें होती हैं आर्थिक रूप से उसे संबल बनाने के लिए ये राशि देने की बात है वो की गई थी। और जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो उसके बाद जो राशि 10 मार्च को जारी की गई थी उसके बाद लगातार हर महीने उनके खाते पर 1,000 रुपए की राशि है वो डाली जा रही है। तो इससे साफ है जो सरकार ने जो वादा किया, बीजेपी ने जो वादा किया, जो मैनिफेस्टो में दर्ज था, उल्लेख था, उन वादों को पूरा करते हुए लगातार जो हर महीने राशि है वो हस्तांतरित किया जा रहा है। आज भी जो एक जो प्रदेश के 70 लाख 12 हजार जो महिलाएं हैं उनके खातों में राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो उस तरीके से आज महतारी वंदन योजना की जो किश्त है, पांचवी किश्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून आज से बदल गए हैं। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में संसद में पारित 3 कानून आज से देश भर में पूरी तरह से लागू होंगे, जिसमें इंडियन पिनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता के तौर पर जाना जाएगा, जबकि सीआरपीसी अब नागरिक सुरक्षा संहिता होगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें एविडेंस एक्ट की, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी इसका एक हिस्सा होगा। ये 3 प्रमुख कानून अब देश भर में लागू होंगे और इन कानूनों के लागू होने के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का सीरियल नंबर भी बदल जाएगा। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन अब ये घटकर 358 हो गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, तो 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। वहीं सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं रखी गई हैं। नए कानून में 177 बदलाव किए गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। तो वहीं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें 170 नियम कानून बनाए गए हैं, तय किए गए हैं, 24 कानून बदले गए हैं। और मध्य प्रदेश में भी आज से कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिसमें से एक का जिक्र हम अभी करेंगे, क्योंकि आज से मध्य प्रदेश में वाहनों की जांच का तरीका बदल जाएगा। मध्य प्रदेश में गुजरात के पैटर्न पर वाहनों की जांच होगी। अवैध वसूली रोकने के लिए मध्य प्रदेश में नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत चेक पोस्ट का नाम सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट होगा। इस तरह के 45 सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट बनाए जाएंगे, जिसके साथ ही 49 रोड सेफ्टी और मोबाइल एनफोर्समेंट यूनिट भी बनाई जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नई व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी। और इस बदलाव का प्रमुख कारण इसे विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है, उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए। तो वही पन्ना में खाद्य विभाग की रेड, नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा पड़ा। आपको बता दें कि 850 लीटर नकली घी यहां से बरामद किया गया। 56 टन नकली घी की बरामदगी के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इंदिरापुरी कॉलोनी में ये फैक्ट्री थी, जहां नकली घी बनाया जा रहा था। तो अगर आप कहीं सस्ता घी ले रहे हैं, तो एक बार ये जांच लीजिएगा, कहीं वो इसी तरह से तो नहीं बनाया गया, क्योंकि इस तरह के प्रोसेस्ड घी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए रहते हैं। संजय तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। संजय, इस कार्रवाई में क्या कुछ बरामदगी हुई, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? जी आशीष, मैं आपको बता दूं, ये इंद्रपुरी कॉलोनी का इलाका है, जहां पर बरसों से ये नकली घी बनाया जा रहा था, और आसपास के जिलों में, यानी कि सतना है, छतरपुर है, यहाँ पर ये खपाया जा रहा था। और जैसे ही पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि इस तरीके का अवैध कारोबार यहाँ पर हो रहा है, वैसे ही पुलिस का अधीक्षक साई कृष्ण जो है थोटा, उन्होंने टीआई को चुस्त दुरुस्त करते हुए, एक पुलिस की टीम तैनात करते हुए वहां पर छापामार कार्रवाई करवाई, जिसमें खाद्य विभाग को भी साथ में लिया गया। और खाद्य विभाग ने जाकर के जब वहां पर छापा मारा, तो देखा कि 56 टीन घी वहां पर, जो केमिकल के द्वारा देसी घी बनाया जा रहा था और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है, और आगे आने वाले समय पर और भी बड़े माफिया इसमें निकल कर आएंगे, ऐसा कि कहना है पुलिस का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए संजय। और बढ़ते हैं आगे, ग्वालियर में पब में मारपीट का एक मामला सामने आया। दरअसल पब में झगड़े के बाद मारपीट हो गई।
मारपीट और झगड़े का वीडियो भी सामने आया है। कार से आए युवकों ने डंडे और तलवारों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। पड़ाव थाना एमएलबी कॉलोनी इलाके की पूरी घटना बताई गई है। टीआई ने पब संचालक को नोटिस भी जारी कर दिया है। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको दे रहे हैं और ये देखिए जो वीडियो सामने आया है वो भी, जहां पब में झगड़े के बाद मारपीट हो गई और इसका वीडियो सामने आया है। कार से आए युवकों ने डंडे और तलवारों से एक दूसरे पर हमला कर दिया और उस हमले की तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पड़ाव थाना एमएलबी कॉलोनी इलाके की घटना है। टीआई ने पब संचालक को नोटिस भी जारी किया है और संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, किस बात को लेकर ये बात मारपीट हुई है? देखिए, ग्वालियर के एमएलबी कॉलोनी के मॉलिकुल पब की घटना है और रात में यहाँ देख सकते हैं कि जो दो पक्ष है उनके बीच मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और जो ये पब है इसके मेन गेट के पास आकर एक भीड़ आती है, उसके बाद लाठी डंडों से लेस होकर दोनों तरफ से जो है विवाद होता है। इसमें तलवारें भी साथ लेकर आए थे। चूंकि ये घटना हुई, इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है और वायरल वीडियो होने के बाद जब इस मामले में जानकारी पड़ाव पुलिस को लगी तो ये जानकारी सामने आई कि इसमें किसी तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई थी कि आखिरकार किस बात को लेकर ये विवाद हुआ है। इसी के चलते जब वीडियो सामने आया तो पड़ाव थाना प्रभारी कीला टंडन ने पब संचालक को नोटिस जारी किया है और इस वीडियो के संबंध में और घटना के संबंध में जानकारी देने के लिए एक नोटिस जारी किया है और अब आज संभवतः नोटिस का जवाब मिलने के साथ ही इस मामले में पुलिस अगली कार्रवाई करेगी, क्योंकि दोनों तरफ से किसी भी पक्ष ने इसमें FIR के लिए आवेदन नहीं दिया है, ना ही थाने तक इसकी शिकायत पहुंची है। तो निश्चित तौर पर घटना हुई है और जो इलाका है वो पौश इलाका है जहाँ कई कोचिंग भी संचालित होते हैं, तो ऐसे में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में अब पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर है और आज संभवतः इस मामले में कार्रवाई होगी पब संचालक के नोटिस के जवाब के बाद। बिल्कुल सुशील, आप लगातार जुड़े रहिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, ग्वालियर में पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला और नाबालिग से छेड़छाड़ कर धमकाने वालों को गिरफ्तार किया है। आरोपी का जुलूस निकाला गया तो वही नाबालिग से बाजार में छेड़खानी की गई थी। विरोध करने पर नाबालिग को जिंदा जलाने की धमकी दी गई थी और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला गया है और ये देखिए तस्वीरें, जब देर शाम को आरोपी का जुलूस निकाला गया। संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, नाबालिग से छेड़खानी और उसके बाद धमकी का पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए, चार दिन पहले ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के एक इलाके में 16 साल की नाबालिग लड़की से बाजार में छेड़छाड़ की गई थी। जब लड़की ने विरोध किया तो उस लड़की के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट की गई। इसमें मुख्य आरोपी जो सलमान खान उर्फ छोटू है, उसने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की थी, मारपीट की। उसके अलावा उसकी माँ और परिवार को जिंदा जलाने की धमकी भी दी थी, इलाके से घर छोड़कर जाने की धमकी दी थी और इसी पर पीड़िता ने बहोड़ापुर थाने में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने कल रात में आरोपी सलमान खान उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। उसके बाद जहां उसने धमकी दी, छेड़छाड़ की थी, उसी इलाके में इस आरोपी का जुलूस निकाला और कहीं ना कहीं इस बात का संदेश दिया कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। और उसके बाद इस आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं से पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है, तो अब पुलिस इसे आज जेल भेजने की कार्रवाई करेगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। तो इस संसद में आज एक बार फिर नीट का मुद्दा उठ सकता है, विपक्ष की तरफ से हंगामे के पूरे आसार हैं। दरअसल इस पूरे मामले में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन कर सकती हैं। पिछले हफ्ते भी नीट के मुद्दे पर संसद में काफी बवाल हुआ था और विपक्ष का यह आरोप है कि नीट में गड़बड़ी के तार बीजेपी शासित राज्यों से जुड़े हुए हैं और इसमें अब उनकी ये मांग है कि इस पर संसद में सदन में चर्चा हो और शिक्षा मंत्री इस मुद्दे पर इस्तीफा दें। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी बवाल देखने को मिला था, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी बवाल देखने को मिला था और आज भी ये बवाल देखने को मिल सकता है। चूंकि आपको याद होगा बीते शुक्रवार सदन की कार्यवाही को पहले 12 बजे तक के लिए, फिर उसके बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और हाथ में ये लाल किताब, जो दावा किया जा रहा है कि संविधान की प्रति है, लेकर प्रदर्शन करते INDIA के घटक दल नजर आए और कांग्रेस इसका नेतृत्व कर रही है।
और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भारतीय खिलाड़ी मुलाकात करेंगे। 2 जुलाई को भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंचेगी और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बीसीसीआई के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो वही बीसीसीआई सचिव जय शाह ने T20 विश्व कप विजेता टीम के लिए प्राइज मनी का ऐलान किया है। जय शाह ने ट्वीट कर टीम इंडिया के लिए T20 विश्व कप 2024 जीतने पर 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का ऐलान किया है। भोपाल में युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। गांधीनगर सरकारी अस्पताल के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने लोहे की पाइप से हमला किया और मारपीट के बाद 15,000 रुपए भी लूट लिया। लोगों ने घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि लूटपाट के इरादे से ये हमला किया गया हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और भोपाल में शख्स के साथ मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम बदमाशों ने दिया। बहरहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है ये देखने का विषय होगा। हालांकि घायल शख्स को अस्पताल पहुंचा दिया गया था जहां उसे इलाज दिया जा रहा है। और बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि नारायणपुर में 60 लाख से ज्यादा रुपए का गांजा बरामद हुआ। 2 गाड़ियों में यह भरकर ले जाया जा रहा था। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा गया। गिरफ्तार गांजा तस्कर 2 महाराष्ट्र के और 1 मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जहां ओडिशा के मलकानगिरी से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था गांजा और इन्हें धर दबोचा गया है। नारायणपुर में 60 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद हुआ है। लगातार अवैध तरीके से जो गांजे की सप्लाई हो रही है, इस पर शिकंजा कसा जा रहा है। 2 गाड़ियों से बरामद किया गया गांजा। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महाराष्ट्र और 1 मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ओडिशा के मलकानगिरी से महाराष्ट्र गांजा ले जाया जा रहा था। अभनपुर में चाकूबाजी, 2 पक्षों में विवाद के बाद चाकूबाजी हो गई। आपको बता दें कि 6 लोगों ने 3 लोगों पर हमला किया और ऐसे में इस हमले में 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवापारा के छांटा रोड पर इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में नदी जोड़ो अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए। ये पार्वती, काली सिंध और चंबल को जोड़ने की परियोजना है। इससे दोनों प्रदेशों के लाखों किसानों को फायदा होगा। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री कृष्णा गौर और विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। बड़े पैमाने पर नदियों से बहने वाला जल लोगों की जिंदगी में काम आए, उससे बदलाव आए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद माननीय भजनलाल जी और हम लोग मिले थे जनवरी 28 को, और उस समय आपने और हमने एक विषय निकाला कि यहाँ हमारे अधिकारियों के लेवल पे बड़े पैमाने पर इसकी आवश्यकता तो है कि राजस्थान के अंदर यहाँ से बहके जाने वाली तीनों नदियाँ चंबल, काली सिंध, पार्वती, इन तीनों की जलधाराओं का दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए कैसे उपयोग हो सके, आज हम इस बात के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा मन करके चले। कांग्रेस की हार पर समीक्षा जारी है। कांग्रेस की टीम कांकेर और बस्तर पहुंची। दरअसल बंद कमरे में नेताओं ने हार की वजहों को जानने की कोशिश की। वहीं मीडिया ने जब इस बारे में जानना चाहा तो नेताओं ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। समीक्षा को लेकर जो बातें सामने आई हैं, कई कांग्रेसी बड़े नेताओं के बारे में भी कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है और हो सकता है कि इन पर आने वाले वक्त में गाज गिरे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।